ये हमेशा हैं लगातार जो अपनी यथास्थिति की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं कि हमारी जो नियुक्तियाँ हैं वो की जाए। 5 से 6 हज़ार व्यक्ति अभी भी वंचित हैं, 15 हज़ार को नियुक्तियाँ दे दी गई हैं और कुछ को स्कूल भी आवंटन हो चुके हैं, लेकिन बावजूद सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही। कोर्ट में केस मामला चल रहा है, लेकिन जो AG है वो यहाँ पे कमज़ोर पैरवी के कारण इनको अपना जो हक है नियुक्तियाँ वो नहीं मिल पा रही। एक महिला खड़ी, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका है सर, मैं जयपुर से ही हूँ। सर हम लोग यहाँ पे पिछले 13 दिन से बैठे हैं, हम लोग रात को भी यहीं रुक रहे हैं। हम महिला होते हुए हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम रात को रुक रहे हैं, दिन में रुक रहे हैं, बारिश आ रही है तेज, कोई सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। जबकि सरकार के जो कार्मिक विभाग है उसने कल 2 दिन पहले ही नोटिस जारी किया है कि 19,417 लोगों को हमने ज्वाइनिंग दे दी और जो बच रहे हैं उनके ऊपर कोर्ट का स्थिति है, कोर्ट की यथा स्थिति है मतलब, है ना। तो सरकार के आदेश के अनुसार तो 19,417 को ज्वाइनिंग दे दी, पर हकीकत में ज्वाइनिंग 515 को ही दी गई, 5,015 को ही, मतलब 15,500 को ही दी गई है। और बाकी के हम लोग यहाँ बैठे, जब सरकार ये बोल रही है कि हमने आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी है तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारी स्कूल अलॉट हो गई, सब कुछ हो चुका, हमारा केवल हमारा ये ज्वाइनिंग ऑर्डर आना है और हमें स्कूल में जाना है। हमारे ऊपर ये यथास्थिति लागू नहीं होती तो अधिकारियों की गलती की वजह से हम आज यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। युवा होते हुए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि एक शिक्षक सड़क पे बैठा है सर, 15-15, 13-13 दिन हो गए हम लोगों को। सुविधाओं का टोटा है यहाँ पे, एक महिला हो और महिला के लिए धरने देना बहुत बड़ा चुनौती का काम है। ये सर सुविधाएं तो मतलब ये जो पुलिस विभाग है ये तो चाहता है कि हम लोग यहाँ से उठें, सरकार तो यही चाहती है कि उनको उनके जो ये राज्य अभी जो नई नई सरकार बनी है उनके लिए कोई भी चुनौती का सामना ना करना पड़े उनके लिए। हम लोगों के ये जो सुविधाएं हैं इनको बंद कर देते हैं, वॉशरूम बंद कर देते हैं, पानी की टंकियाँ बंद कर देते हैं, लेकिन सर हम तो यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी यथास्थिति नहीं हट जाती और हम लोग स्कूल नहीं चले जाते, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो वो तो हमारे ऊपर ही लागू होगा, फिर से वही आ जाएगा जो पहले हुआ था, वही हो जाएगा हमारे लिए। तो मांग वाजिब है, इनकी नियुक्तियों की मांग है, कोर्ट में मामला चल रहा है, AG से मजबूती पैरवी जो करवानी है उसका बात कही है। क्या नाम आपका? मंजू वर्मा। जो 13 दिन है लगातार आप यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, मामले से अवगत करा। हमें 13 दिन हो गए हम यहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, हमें स्कूल अलॉट हो चुके हैं, सिर्फ हमारी सरकार ज्वाइनिंग नहीं करवा रही है, यथास्थिति के कारण हमारी ज्वाइनिंग अटकी हुई है। इसीलिए सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि AG से मजबूत पैरवी करवा कर यथास्थिति के आदेश को हटाए और हमें स्कूलों में नियुक्ति दे। वहाँ पर स्कूलों में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए स्कूलों में पूरे टीचर भी नहीं है, फिर भी हमें यहाँ क्यों रोका जा रहा है? एक बार हम आचार संहिता का शिकार हो चुके हैं, अब दोबारा फिर लोकसभा चुनाव आने वाले, आचार संहिता लग जाएगी, हम दोबारा शिकार नहीं होना चाहते। इसलिए यही गुजारिश है कि मजबूत पैरवी करवा कर हमें स्कूलों में भेजा जाए। साफ साफ कहा है कि अब आचार संहिता का शिकार दोबारा नहीं होना चाहते, पहले भी हम आचार संहिता का शिकार हो चुके हैं जिसके कारण हमारी जो भर्ती है वो नियुक्ति है वो अटकी पड़ी है। अभ्यर्थी और भी मौजूद हमारे साथ, क्या नाम आपका? स्वरूप सिंह है। कांग्रेस सरकार ने 21,000 पद की भर्ती निकाली थी, उसमें से 15,000 को ज्वाइनिंग हो गई, 6,000 अभी भी वंचित है, लेकिन उन्होंने ये सेम एग्जाम उन्होंने दिया, स्कूलें उन्हें भी अलॉट हुई, इन्हें भी हुई, लेकिन आज तक ये बच्चे सड़कों पर आवारे पशुओं की तरह घूम रहे हैं, ये मानसिक आर्थिक रूप से परेशान है और ये बच्चे 14 दिन से धरना दे रहे हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि कांग्रेस अब BJP ना खेल कर इन बच्चों के साथ न्याय करे, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है, ना इनसे कांग्रेस का लेना है ना ही BJP से लेना देना है, और सरकारें आती जाती रहेगी। तो सरकार से यही निवेदन है कि बच्चों को जल्द नियुक्ति दे और यथास्थिति को बहाल करके और AG साहब से पैरवी करवा के कोर्ट में 13 तारीख को हमारे पक्ष में फैसला सुनाए और हम स्कूलों में जाए। देखिए 13वां दिन है आज और सुविधाओं का टोटा है, खर्चे लग रहे हैं यहाँ पे, रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रात को यहाँ पर टूटना पड़ रहा है आपको, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, ना कोई आप सरकार की तरफ से ऐसा कोई डेलीगेशन उनकी तरफ से आया या न्योता आया जिससे आप आगे बढ़ सकें। अब क्या लगता है कि सरकार आपका धरना खत्म करवाएगी? देखो सरकार से हमारी उम्मीद है, 5 बार पैरवी हो चुकी है कोर्ट में, आज तक सरकार ने हमारा मामला नहीं सुना और हम हर मंत्री हर विधायक के पास हर दिन जाते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन अभी भी हमारी उम्मीद कायम है कि 13 तारीख को सरकार हमारी सुनेगी और आचार संहिता से पहले हमारे को नियुक्ति देकर स्कूल भेजेगी। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं बाड़मेर से हूँ, हम 29 तारीख से यहाँ धरना दे रहे हैं, आज 13वां दिन है। हमारे सरकार से ये निवेदन है कि जो चयनित बच्चे हैं जिनको स्कूलें मिल चुकी हैं उनको आप नियुक्ति दे, उनको स्कूल दे दीजिए, और 2000 बच्चे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और कार्मिक विभाग का 6 महीने का नियम है और 6 महीने 28 फरवरी को पूरे हो रहे हैं, यदि 28 फरवरी तक रिजल्ट नहीं निकला तो हम लड़के बीच फंस जाएंगे, इसलिए सरकार से निवेदन है कि चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दे और हमारा भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए।
हम नियुक्ति चाहते हैं, हमारी यथास्थिति को जल्दी से जल्दी हटा के एजी से मजबूत पैरवी करवा के हमारी नियुक्ति जल्द प्रदान की जाए, वरना हम आचार संहिता के अंदर फंस जाएंगे और दोबारा वही सिस्टम हो जाएगा। पहले भी आचार संहिता के कारण आपकी नियुक्तियाँ जो अटक गई थी, हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव सामने हैं और आचार संहिता लगने वाली है, तो कहने का डर जो है वो आपको सता रहा है, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम यही मांग करते हैं कि एजी से पैरवी करवा के जल्द से जल्द, ये 13 तारीख को मिली हुई है तो 13 को यथास्थिति हटा के हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। 13 फरवरी है, इनकी सुनवाई होनी है कोर्ट में, और कोर्ट में जो सुनवाई है मामला चल रहा है वो नियुक्तियों को लेकर ही चल रहा है। कांग्रेस सरकार ने 21,000 पदों पर भर्तियां निकाली थी, लेकिन 15,000 को भर्तियां मिल चुकी हैं, नियुक्तियां मिल चुकी हैं, लेकिन 6,000 जो अभ्यर्थी हैं अभी भी धक्के खा रहे हैं, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने दे रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय चौधरी जी, हनुमानगढ़ से हैं मैं। आज धरने का 13वां दिन है, हम 13 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हैं और सरकार से हमारी यही निवेदन, यही अपील है कि 21,000 की जो लेवल 1 की भर्ती थी उसमें से हमारे साथ ही जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, हमारे साथ ही जिनका रिजल्ट आया, हमसे कम नंबर है उनके और उन्होंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, हमें स्कूल अलॉटमेंट हो गया है, हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं निकल रहे हैं, भर्ती पर यथास्थिति लगा दिया है। तो सरकार से ये निवेदन है कि एजी साहब से हमारी पैरवी करवा के यथास्थिति को बहाल किया जाए और जो बच्चे 4,000-4,500 बच्चे जिनको जिला अलॉटमेंट हो गए हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए और बाकी प्रोविजनल लिस्ट वाले वेटिंग वाले बच्चे हैं उनकी भी आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। 13 फरवरी को आपका मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है वो सुनवाई होनी है उसकी, और 13 फरवरी को शायद आपका फैसला आ सकता है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद लगा रखे हैं आपने कोर्ट से कि अगर पैरवी अच्छी हुई तो आपका जो मुकदमा है या मामला है वो आपके पक्ष में आएगा? सर उम्मीद यही है कि पिछले 2 महीनों में लगभग 5 तारीखें हमें मिल चुकी है और हर तारीख पे यही है, बोर्ड के वकील जाते हैं, सामने से विपक्ष आता है, दोनों तरफ से बहस होती है, जज साहब ना कोई फैसला सुनाते हैं ना यथास्थिति बहाल करते हैं, उधर भी बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। 13 तारीख को अभी सरकार से हमारी यही मांग है कि एजी साहब से पैरवी करवा के मजबूत पैरवी के साथ वो हमारी यथास्थिति को बहाल करवाएं और ये जो आगे भर्ती प्रक्रिया है इसको शुरू किया जाए जिससे सभी बच्चों को राहत मिले और न्याय मिले। 13 फरवरी को मामले की सुनवाई है और कोर्ट में विचाराधीन जो मामला है उसको लेकर ही इनकी उम्मीद जो लगातार बनी हुई है। अगर इनका साफ साफ कहना है सरकार ने एजी से अगर पैरवी जो मजबूत करवाएगी तब जाके कहने का जो कोर्ट है इनके पक्ष में फैसला देने वाला है। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम महेंद्र है। मामले से अवगत? जी सर, मामले में यही है कि हमने ही गलती की है, परीक्षा देके हमारा सिलेक्शन हुआ फिर हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। पहले तो 2 साल पढ़ाई करके सिलेक्शन के लिए संघर्ष करो, फिर सारे काम हो गए, नियुक्ति आदेश तक जारी हो गए, फिर हम कार्य ग्रहण करने के लिए यहाँ 13-13 दिन से बैठे हैं, वो भी अपने खर्चे से, सारे के सारे बेरोजगार है, ये तो नहीं है कोई यहाँ सारे के सारे अमीर है। सरकार, हम इस, हमारा ये फैसले से कोई मतलब भी नहीं, हम इस मामले में इन्वॉल्व भी नहीं थे, हमारा सबका सिलेक्शन होगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कोर्ट में चले गए और बोर्ड का और याचिकाकर्ताओं का फैसला था, उनके बीच में हमको ऐसे ही घसीट रहे हैं जबकि हमको कब का कार्यकरण करा देना चाहिए था। ये सारी की सारी बोर्ड की नाकामी है, बोर्ड की गलती है, उनकी कमेटी की सारी गलती है, हमें ऐसे ही बीच में ला के घसीट दिया, हमें तो कब का ज्वाइन करा देना चाहिए, हमारे साथ वाले 6-6 महीने से हो गए, उनकी तनख्वाह आ रही है और सारा काम हमारा साथ हुआ था, हमारी तो गलती थोड़ी है, गलती बोर्ड की है और इस गलती रही है, बोर्ड की गलती रही है। क्वेश्चनों के मैटर में कोई एक क्वेश्चन के बारे में चला गया था, कोई याचिका, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1-2 लड़के थे वो मेरिट से 0.30 से रह रहे थे तो वो कोर्ट में चले गए, भाई हमारा क्वेश्चन सही है, तो जज साहब ने पूरी भर्ती पे स्टे दे दिया, तो सारे बच्चे भुगत रहे यहाँ 13 दिन से, बच्चों की गलती थोड़ी है, इनका तो सारों का सिलेक्शन हो गया, स्कूल मिल गई है, ज्वाइनिंग आदेश तक जारी हो गए, सिर्फ कार्य ग्रहण नहीं हुआ और उधर शिक्षा विभाग का नोटिस आता है कि हमने 19,000 को ज्वाइनिंग दे दी, शिक्षा विभाग की नज़र में तो हम ज्वाइनिंग कर चुके हैं और यहाँ हम बैठे हैं, देख लो आपके सामने, ज्वाइनिंग कर गए तो यहाँ क्यों बैठे हैं? ये अधिकारियों की लापरवाही है, कभी तो कोई ऑर्डर निकल जाता है, कभी कोई ऑर्डर निकाल देते हैं, हर तरह से। अभी देखो जैसे क्वेश्चन पेपर में जो हुआ था, पहले भी बहुत बार ये मांग उठ चुकी है, पहले बात तो यही है कि क्वेश्चन गलत होने भी नहीं चाहिए, अगर हो जाती है, 4 बार बोर्ड ने रिव्यू कमेटी बैठा ली है फिर भी उनसे वो एक जवाब नहीं दिया जा रहा है, एक तरफ से मजबूत पैरवी करके एक तरफ फैसला दिया जाए इस मुकदमे पे, ठीक है सर? बोर्ड के पास इतनी कमेटी नहीं है कि सारे राजस्थान के छात्रों के वो एग्जाम करा रहा है, 25,00,000 बच्चे बैठ रहे हैं, उनके पास ऐसी समिति नहीं हो 150 क्वेश्चन भी ला सके ढंग के जिन पर कोई विवाद नहीं हो, मेन मुद्दा तो ये ना उनके कमेटी के 150 क्वेश्चन नहीं मिल रहे उनको, भाई सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन लाओ उन पर विवाद हो ही ना, 150 क्वेश्चन तो मिल सकते हैं आपको ऐसे जो विवाद ही नहीं हो, बोर्ड वाले जानबूझकर 3-4 क्वेश्चन ऐसे लाते हैं जिनसे बाद में विवाद बढ़े और वकीलों को पैसा जाए, उनका सारा धंधा चलता रहे, यही बात है मेन। तो देखिए सरकार पर आरोप लगा दिए हैं कि सरकार अगर पैरवी अच्छी तरह करवाती है तो शायद इनकी जो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, शायद मामला है उसको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान मिलेगी और जो कोर्ट है इनके पक्ष में फैसला देगा। हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस है, शहीद स्मारक पर हम खड़े हैं और हाल फिलहाल
जो लेवल वन के जो अभ्यर्थी हैं वही अपनी नियुक्तियों को मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। 13 दिन हो चुके हैं, अब देखने वाली बात ये होगी सरकार और इनके जो अभ्यर्थी नियुक्तियों की मांग को लेकर बैठे हैं इनका धरना कब तक चलता है और सरकार इनकी मांगों कहाँ तक मानती है। सहयोगी कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।